भिलाई में पावर हाउस, फल मंडी, सूर्यानगर बस्ती जैसी फिर से बड़ी आग लगने की घटना घटी है। हॉस्पिटल सेक्टर में आग से लगभग 23 घर जलकर राख हो गए हैं। भिलाई टाउनशिप के हॉस्पिटल सेक्टर के झुग्गी क्षेत्र में शुक्रवार रात 2 बजे आग लगने से 23 घर जलकर राख हो गए। लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान बचा सके। देखते ही देखते पूरी बस्ती आग के गोले में बदल गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, आग ने सभी घरों को जला दिया था। आग बढ़ने पर 4 सिलेंडर फटे और पूरी बस्ती को स्वाहा कर दिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कचरे के ढेर में आग लगने से हादसा हुआ होगा। भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर मार्केट के पीछे बने झोपड़ियों में देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासी गणेश प्रसाद ने बताया कि करीब 2 बजे रात्रि को अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर धू धू करके जल रहा है। तब उसने तत्काल बाहर निकल कर मोहल्ले के अन्य लोगों को जगाया और सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते एक झोपड़ी में लगी आग ने वहां मौजूद करीब 27 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां के रहवासियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, परंतु अपने घर और घर में रखे सामान को नहीं बचा पाए और सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्रभावितों के पास अब ना तो तन ढकने के लिए कपड़े हैं और ना खाने के लिए राशन। इस हादसे को देखते हुए दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लेकर पीड़ितों को मुआवजा और उनकी मदद के लिए टीम तैयार कर दी। इस घटना को किस रूप में देखा जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और उनको मुआवजा जो दिया जा रहा है और व्यवस्थापन किस तरीके से दी जा रही है? बहुत ही दुखद घटना हुई है। लगभग 73 लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, इसमें बच्चे भी हैं। और रात को लगभग 2 बजे के आसपास घटना हुई थी और आप जैसे देख रहे हैं सारे के सारे लगभग 25 जो घर थे वो सभी के सभी जल के पूरी तरह से खाक हो गए। घर का जो सामान था वो पूरी तरह से जल गया है। बच्चों की किताबें जल गई हैं। गैस सिलेंडर्स भी लगभग 4 से 5 गैस सिलेंडर्स भी फटे हैं। तो पूरा जो मतलब जो सारे 73 जो परिवार जो लोग हैं सारे यहाँ से शिफ्ट करा के अभी स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट किए हैं। इमीडिएट जो चैलेंज है वो ये है कि सबसे पहले इनको रहने की इनकी व्यवस्था की जाए परमानेंट, तो उस पर भी हम लोग इमीडिएटली काम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो इनको नुकसान हुआ है तो उसका जो एस्टिमेशन का काम तहसीलदार ने कर लिया है, तो वो भी अभी एक दो दिन में हम लोग इसकी जो पैसा है राशि है वो जारी कर देंगे। बाद में जो दिक्कतें क्योंकि घर का राशन सामान कपड़े बच्चों की किताबें वो सारा कुछ जल चुका है, तो उसके लिए आज ही कंसर्निंग लोगों से डिपार्टमेंट से कुछ प्राइवेट के लोगों से उनके साथ में बात करके इनको कोशिश करेंगे कि आज और कल में अधिकांश जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए। सर पिछले 10 सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मूलभूत समस्याओं से भी जूझ कि इसका जो सोर्स था आग जलने का उसको भी हमने परीक्षण किया। ये एक्सीडेंट था कि एक झोपड़ी में आग जली और उससे फिर गैस सिलेंडर फटे और उससे पूरा जो जितने भी झोपड़ियाँ थी सारी की सारी जल के, क्योंकि एक्सीडेंट था, कोई ऐसा कोई सिस्टमेटिक कोई इशू नहीं था। तो एक्सीडेंट पे तो जितना बचाव रखेंगे उतना ही, जितना प्रिकॉशन रखेंगे उतना ही बचाव होगा। सर हताहत कोई नहीं हुआ है ना इस घटना में? नहीं, हताहत घायल इस तरह कुछ नहीं। थैंक यू सर। इस घटना की जानकारी पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे को मिली तो वे भी पीड़ितों से मिलने मौके पर पहुंचे और पीड़ितों की ओर से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सीएम स्वेच्छा निधि से आगजनी के घटना में प्रभावित हुए पीड़ितों को मकान व 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। ठीक है, ठीक है भैया। ये यहाँ आगजनी की घटना हुई, 23 मकान जल गए हैं क्या? देखिए ये बड़ी दुखद बात है, ये दुर्घटना जो हुई है और उससे जो प्रभावित लोग हैं, हमारी प्रशासन से मांग है कि तत्कालीन इनके पहले तो जो व्यवस्था करनी चाहिए, इनके बांस बल्ली और राजस्व आपदा प्रबंधन जो है उसके 58 के तहत इनको जो राशि मिलती है वो दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अपने स्वेच्छा निधि से कम 3 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को दें। 23-24 परिवार है, 70-72 लाख उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके स्वेच्छा निधि लगभग 800-900 करोड़ के ऊपर अभी बढ़ा के रखे हैं। तो स्वेच्छा निधि में देने में उन्हें कहीं पे भी कोई अन्य मद या किसी फाइनेंशियल सेंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वे तत्काल प्रभावितों के नाम से चेक काट सकते हैं, जिससे
ये अपने जो आर्थिक नुकसान है उसकी भी भरपाई कर सकते हैं। निगम के अधिकारी आए, पदाधिकारी आए, व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जर्जर स्कूल है वहाँ, अब तक पीड़ितों को पानी नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, ऐसी अव्यवस्था है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी तो व्यवस्था उन्हें करना चाहिए, कोई अभी इस समय राजनीतिक बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि पीने का पानी नहीं है और समुचित वहाँ पर लोगों की जो आवश्यक व्यवस्था है नहीं है, तो ये उचित नहीं है। तत्काल कर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी इनको नहीं मिल पाया और घर घर जो नल जल योजना की बात हो रही है वो भी इन तक नहीं पहुँच पाया, बड़ी बदहाली में जी रहे लोग। देखिए, पिछले समय हम लोगों ने जो सबके घरों में बिजली पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना थी, उसके तहत सेक्टर के तमाम झुग्गियों में बिजली का मीटर लगे, उस योजना का नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, घर घर बिजली की जो थी, उसमें स्टेशन मरौदा में हो गया, बीएसपी के क्षेत्र में बिजली लगे और एक एक बिजली के कनेक्शन के लिए 2,500 रुपया लगता था, वो 2,500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को न देना पड़ा। फिलहाल इस आगजनी की घटना में जनहानि तो नहीं हुई, परंतु झोपड़ियों सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।